देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी नाथुराम गोडसे की फिर से पूजा का मामला सामने आया है। ग्वालियर में हिंदू महासभा के दफ्तर में नाथुराम गोडसे की पूजा की गई है। बकायदा गोडसे की आरती का गायन किया गया है और आज के दिन को गोडसे के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें नाथुराम गोडसे के बयानों को सार्वजनिक करने और माध्यमिक मध्य प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की गई है। बता दें कि 2017 में भी हिंदू महासभा के दफ्तर में नाथुराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना करके पूजा की गई थी। आज भी कुछ वैसे ही उसी तर्ज पर दिखाई दे रहा है। आज उनकी मूर्ति नहीं तो उनकी तस्वीर के पूजा की जा रही है। इस दौरान विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने गोडसे की मूर्ति को तब जब्त कर लिया था और इस मामले में जीएमपीसीजी से बातचीत करते हुए आपको बता दें हमारे संवाददाता ने जो पूरी बातचीत की थी, हकीकत को जानने की कोशिश की थी। वहीं पर जी यूपी उत्तराखंड की टीम भी लगातार इसको लेकर अभी फिलहाल में वीडियो आया है इस पर छानबीन में जुटे हुए हैं। और कानून मंत्री पीसी शर्मा ने उस वक्त कहा था कि पूजा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो तस्वीरें देखिए, 2017 की वो तस्वीर है जब नाथुराम गोडसे की मूर्ति लगाई गई थी, पूजा करने की वो तस्वीरें सामने आई थी। माहौल खराब ना हो इसलिए मूर्ति को हटा दिया गया था, लेकिन आज फिर पूजा की गई है और उनके नाम का जो गायन करते हुए आरती की गई है, लेकिन इस वक्त मूर्ति नजर नहीं आ रही, तस्वीर है, उस तस्वीर को पूजा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 2017 की बात करें तब भी जो है एक तस्वीर सामने आई थी जब मूर्ति लगाकर नाथुराम गोडसे को पूजा गया था, आज भी कुछ वही अंदाज है लेकिन मूर्ति के बदले तस्वीर है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज नाथुराम गोडसे की जो फांसी थी उसको 70 साल पूरे हो चुके हैं और उसी कार्यक्रम में उन्होंने आज नाथुराम गोडसे का बलिदान दिवस के तौर पर आज मनाया, 70वां बलिदान दिवस मनाया और उनके चित्र पर न केवल माल्यार्पण किया बल्कि उनकी आरती भी उतारी गई। और इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अमले को एक ज्ञापन भी सौंपा है हिंदू महासभा से लोगों ने, उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अंतिम समय के जो गोडसे के भाषण है उनको सार्वजनिक किया जाए, इसके साथ ही उनकी जीवन शैली को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि जो पीढ़ी है वो ये जान सके कि आखिर नाथुराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा था। इसके पीछे उनका एक तर्क ये भी है कि जब हम भगवान श्री राम ने रावण जीवन शैली या उनकी जीवन गाथा है वो पढ़ सकते हैं, उसके पीछे कारणों को पढ़ सकते हैं, तो आखिर गोडसे की जीवन शैली को क्यों नहीं पढ़ सकता, इस तरह की मांग वो लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से भी कर रहे हैं। जी, इसको लेकर कानून मंत्री भी कुछ कहते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा है, कोई जानकारी, कार्रवाई करने की बात की है? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि हिंदू महासभा कहीं ना कहीं बीजेपी से संबद्ध एक संस्था है और उन लोगों को हिंदू महासभा के पदाधिकारियों से बात करके इस तरह के कृत्यों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर संज्ञान लेगी और स्थानीय कलेक्टर और एसपी से इस बात की पता किया जाएगा कि आखिर क्या परिस्थितियां रही, क्योंकि 2017 में भी जब इस तरह की वाकया पेश आया था तब भी प्रशासनिक अमले ने उनको यहाँ पर रोका था और जो गोडसे की प्रतिमा है उसको भी प्रशासनिक अमले ने अपने कब्जे में लिया था। और ऐसे में अगर आज फिर एक बार फिर गोडसे की पूजा होती है तो कहीं ना कहीं ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। तो एक बार फिर से ये मामला सामने आया है लेकिन अभी इसको लेकर कानून मंत्री ने साफ कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। आज हमको जो है इस कार्यक्रम को मनाते मनाते करीब 70-71 साल हो गए, हमारे पूर्व के नेता मनाते रहे, हम भी मना रहे हैं और आगे हमारे अन्य कार्यकर्ता भी मनाएंगे। देश के विभाजन की बात को गांधी हमेशा नकारता था कि देश का विभाजन नहीं होगा, लेकिन गांधी जिंदा बैठा रहा देश का विभाजन हुआ, इसलिए हिंदू सभा को आप बनाएंगे तो ये अखंड भारत का निर्माण होगा नहीं, पाकिस्तान बनेगा। गांधी ने सबको झुटकारते हुए बोले कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। भारत की जनता ने विश्वास किया, सत्य अहिंसा की बात करने वाले गांधी ने देश के साथ पूर्ण रूप से विश्वासघात किया।